मैं दोबारा से अभय दुबे जी आपके पास आ रही हूँ। सर मुझे ये बताइए, यहाँ पर वो अखिलेश यादव की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने यही कहा अखिलेश यादव ने कि साहब आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। वहां प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि साहब नाम तो किसी ने लिया नहीं, फिर राहुल गांधी खड़े क्यों हो गए? आप मुझे बता दीजिए अभय जी, ये उड़ते तीर क्यों ले रहे थे राहुल गांधी? क्या ये कहते हैं ना सर, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना, क्या ये जाति वाले मुद्दे पर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? मैं आपको एक मूर्धन्य पत्रकार मानता हूँ, एक साधारण व्यक्ति भी जब डिबेट देख रहा होगा ना तो उसको ये बात पता होगी, क्योंकि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, जिन उन्होंने कहा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने अपने चक्रव्यूह में दलितों का दमन किया, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। सर्वोच्च अदालत में मोदी सरकार ने महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शपथ पत्र देकर कह दिया कि सेंसेस केंद्र सरकार का अधिकार है, कोई राज्य सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती और हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 बिंदुओं का उसमें क्लियरिफिकेशन दिया गया है। उन्होंने कहा आर्टिकल 246(7) शेड्यूल की एंट्री 69 ये सिर्फ केंद्र सरकार कराएगी। 31 जानकारियां चाही गई है इस बार की सेंसस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, सिर्फ ओबीसी की जानकारी नहीं, हम एससी एसटी ओबीसी की। अगर चाहते हैं प्रधानमंत्री जी न्याय हो, राहुल गांधी जी दृढ़ता से कह रहे हैं, तो उन्हें गाली देंगे आप समूचे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को गाली दी? मैं सीधे राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ। जेडीयू से आते हैं राजीव रंजन जी, और इन्हीं की पार्टी के नेतृत्व में बिहार में जातिगत सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का जो दायरा है वो 65% तक बढ़ाया, हालांकि बाद में कोर्ट की तरफ से उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये राजीव रंजन जी, मैं ये मानकर चल रही हूं कि आपकी पार्टी के मन के करीब है जातिगत जनगणना का मुद्दा, और जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को सदन में खड़े होकर आवाज दी, आपको क्या लगता है उसके बाद ये पूरी जाति वाली सियासत, आप इसे कैसे देख रहे हैं राजीव जी? देखिए रोमाना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है, इसलिए हम लोग विस्तृत सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद ही कुछ उस पर मैं कहना चाहूँगा। अभी एक सवाल है, देखिए नीतीश कुमार जी को निसंदेह ये श्रेय जाता है कि जो बातें कही जाती थी, जो दशकों से कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, उसका जवाब बिहार से उन्होंने देने का काम किया। जातीय सर्वे के आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का फार्मूला, 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, और मैं मानता हूं ये बड़े फैसले हैं। अब सवाल है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी जितनी बार भी ये बात बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो 2004 से 14 के बीच 2011 में जातीय आधार पर गणना कराने का जो फैसला हुआ, जातीय जनगणना हुई, और उसके आंकड़े 3 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस इसलिए नहीं सामने ला पाई कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच बड़े विरोधाभास थे, और ये अब चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, किसी से ये बात छिपी नहीं है। वैसे सर 14 के बाद जो सरकार आई उसकी तरफ से भी वादा किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो सामने नहीं आए आंकड़े। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, और मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, जातिगत सर्वे करवाया, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। रोमाना जी साथ थे सर, सत्ता में किसके साथ थे सर, और अभी कोर्ट का आपको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मामला वहां से निपटारा होगा, तब तक हम कुछ कर नहीं रहे सर, क्या आसान रास्ता कोर्ट ही है या कोई दूसरा? मैं ये जानना चाह रही सर आपके पास में क्या कोई दूसरा रास्ता है? आप लगातार पूछेंगी और साथ साथ अभय दुबे पूछेंगे, तो सवाल क्यों पूछती है? मेरे साथ राजीव रंजन जी को जवाब सुनना है, राजीव रंजन जी को मेरे साथ लाइए अभय जी प्लीज, 1 मिनट सर, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी, उन्हें सुन लीजिए आप, फिर आपके पास आ जाऊंगी। राजीव जी आइए। देखिए सबसे पहली बात है, राज्य सरकार फैसले ले सकती है, फैसलों पर कोर्ट की भूमिका क्या होगी, उनका नजरिया क्या होगा, उनके फैसले क्या होंगे, ये जनता दल यूनाइटेड या राज्य सरकार का मसला नहीं है, हम अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस तो सरकार से भी की है ना आप लोगों ने, बिहार में केंद्र सरकार से भी आप लोगों ने की है ना, किस तरीके से 9वें शेड्यूल में इसको डाल दिया जाए ताकि रास्ता आसान हो जाए। बस मुझे केवल 30 सेकंड, देखिए संवेदनशील मसलों पर जब बात कर रहे हैं तो रोमाना जी आप एक सीरियस एंकर हैं,
मुझे 30 सेकंड में अपनी बात तो कह देने दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल आप पूछना चाहेंगे। देखिए सवाल यह है, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ इस फैसले में है, केवल कांग्रेस या यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, ये सर्वसम्मत प्रस्ताव है बिहार विधानमंडल का। ठीक है, इसीलिए इस फैसले को लेकर मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में उन्होंने जातीय सर्वे कराए हैं वो क्यों नहीं वो सार्वजनिक कर रहे हैं, या जहाँ उनकी सरकारें हैं है। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के पूर्व की सरकारें रही हो, आज केवल बयान देंगे या अपने कार्यकाल में जो उन्होंने फैसले लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।